हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा, नाइन्थ क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्रीपोजिशन, उसको आगे बढ़ाते हुए हम अध्ययन कर रहे हैं। इनका यूज़ हमने किया था उनमें, और उसमें से कुछ नियम आपके लिए लिखा दिए थे, ठीक है। आज कुछ नियम हैं इनके, उनको हमें पढ़ना है। देखो, पहला नियम है भविष्य की उस समय अवधि से पूर्व। इनके यूज़ में एक नियम है, भविष्य की उस समय अवधि से पूर्व जितनी देर में कोई काम हो जाएगा उस समय अवधि के लिए हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है, आई शैल कंप्लीट दिस वर्क इन एन आवर, यानी कि इन एन आवर मैं इस काम को एक घंटे के अंदर कर दूंगा, मैं इस काम को एक घंटे के अंदर पूरा कर दूंगा। अब बात क्या कर रहे हैं, भविष्य की समय अवधि, एक घंटे के अंदर उस काम को पूरा कर दूंगा, तो किसकी बात कर रहे हैं, गा रहा है, भविष्य की बात हो रही है, और भविष्य के एक घंटे के अंदर में, भविष्य के एक घंटे के अंदर में यह काम कंप्लीट हो जाएगा, तो किसका यूज किया है हमने इसमें, इनका यूज किया है, ठीक है। आगे है, दे हैव टू फिनिश इट इन ए वीक, दे हैव टू फिनिश इट इन ए वीक, यानी वो इस काम को एक सप्ताह के अंदर कर देंगे, वो इस काम को एक सप्ताह के अंदर कंप्लीट फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो भविष्य के उस समय अवधि से पूर्व किसका यूज किया जाएगा, इनका यूज किया है। कौन सी समय अवधि, जिस समय अवधि में काम पूरा हो जाएगा। अगला है, इसमें यूज है इनका ही, किसी परिवेश में किसी व्यक्ति वस्तु आदि के होने के अर्थ में, किसी परिवेश में किसी व्यक्ति या वस्तु आदि होने के अर्थ में किसका यूज किया जाएगा, इनका यूज किया जाएगा। जैसे ही इज रीडिंग इन हिज रूम, ही इज रीडिंग इन हिज रूम, वह बात क्या, नियम क्या है, किसी परिवेश में किसी व्यक्ति वस्तु आदि के होने के अर्थ में, परिवेश का मतलब होता है क्षेत्र, परिवेश का मतलब क्या होता है, क्षेत्र, किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति वस्तु के होने के अर्थ में किसका यूज किया जाएगा, इनका यूज किया जाएगा। तो बात करते हैं एग्जांपल लेकर के, ही इज रीडिंग इन हिज रूम, वो है अपने कमरे में पढ़ रहा है, तो किसी ना किसी क्षेत्र में कमरा क्या है, परिवेश का नाम है, किसी जगह का नाम है, क्षेत्र का नाम है, कमरा क्या है, कोई ना कोई क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में किसी व्यक्ति के होने के अर्थ में, वस्तु के होने के अर्थ में किसका यूज किया जाएगा, इनका यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ही इज रीडिंग इन हिज रूम, तो वह अपने कमरे में पढ़ रहा है, किसी क्षेत्र में फिक्स है, निश्चित है, ठीक है। तो इस अर्थ में हम किसका यूज किया है, हमने एन का यूज किया है। आगे हम बात करते हैं, दे लिव इन इंडिया, इंडिया क्या है, एक बड़ा क्षेत्र है, परिवेश का नाम है इंडिया, भारत जगह का नाम है, ठीक है। उस क्षेत्र में होने, हम उस वे कहाँ रहते हैं, उस क्षेत्र में रहते हैं, कौन से क्षेत्र में, इंडिया में, तो किसी क्षेत्र में होने के अर्थ में किसका यूज किया जाएगा, इनका यूज किया जाएगा। अगला इसका नियम है, बड़े क्षेत्रों के नामों से पहले, बड़े क्षेत्रों के नामों से पहले किसका यूज किया जाता है, इनका यूज किया जाता है, किसका अपोजिट है ये, एट का। छोटे स्थानों के नामों से पूर्व किसका यूज किया जाता है, एट का यूज किया जाता है, और यहाँ पर है बड़े क्षेत्रों का नाम, बड़े क्षेत्रों का मतलब है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है, ही लिव्स एट जवाहर नगर इन भरतपुर, ठीक है, ही लिव्स एट जवाहर नगर इन भरतपुर, तो जवाहर नगर क्या है, छोटा स्थान है, किसका यूज किया है, एट का यूज किया है, और इन भरतपुर, भरतपुर क्या है, बड़े स्थान का नाम है, बड़े स्थानों के नाम से पहले इनका यूज किया जाता है, और छोटे स्थानों के नाम से पहले एट का यूज किया जाता है, समझ में। आगे हम बात करते हैं, अगला प्रपोजिशन है अपना, इनके बाद में ऑन, दिनों व दिनांकों के नाम से पूर्व किसका यूज किया जाएगा, ऑन का यूज किया जाता है। अगला प्रपोजिशन क्या है, ऑन, अगला प्रपोजिशन है ऑन, ऑन का जो अर्थ होता है वह होता है ऊपर, क्या होता है, ऊपर, दिनों व दिनांकों के नाम से पूर्व ऑन का यूज किया जाता है। दिनों व दिनांकों से पूर्व किसका यूज किया जाएगा, ऑन का यूज किया जाएगा, दिनों के नाम और दिनांकों के नाम से पूर्व। एग्जाम्पल हम बात करते हैं, ही विल गो टू जयपुर, ही विल गो टू जयपुर ऑन संडे, वह संडे को क्या करेगा, जयपुर जाएगा, वह संडे को जयपुर जाएगा, दिन का नाम है क्या, संडे, तो दिन के नाम से पूर्व किसका यूज किया जाएगा, ऑन का यूज किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं बेटा,
वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे ऑन 26th ऑफ जनवरी। यानी हम रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं। संडे हो गया दिन का नाम और 26th हो गया दिनांक का नाम, ठीक है। तो दिन और दिनांकों के नाम से पूर्व किसका यूज़ किया जाता है? ऑन का यूज़ किया जाता है। अगला इसका यूज है बेटा, किसी वस्तु के किसी सतह या धरातल पर स्पर्श करते हुए टिके रहने के अर्थ में। किसी वस्तु के किसी सतह या धरातल पर टिके रहने के अर्थ में, टिके होने के अर्थ में, किसी वस्तु के किसी सतह या धरातल पर टिके होने के अर्थ में किसका यूज किया जाएगा? ऑन का यूज किया जाएगा। यानी कि कोई वस्तु, जैसे ये मार्कर है मेरा, ये मार्कर हाथ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मार्कर मेरे हाथ को टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, स्पर्श होने के लिए। यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर है और वो दोनों वस्तु मतलब आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, तो किसका यूज़ करेंगे हम? ऑन का यूज़ करेंगे। और यदि इस स्थिति में हो, यानी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर तो है लेकिन एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, तो किसका यूज़ करेंगे बेटा हम? ओवर का यूज़ करते हैं। स्पर्श ना करने के अर्थ में ओवर का यूज़ किया जाता है। और यदि दोनों वस्तु एक दूसरे को स्पर्श कर रही है और एक दूसरे के ऊपर हैं और स्पर्श कर रही हैं, तो किसका यूज करेंगे हम? ऑन का यूज करेंगे। एग्जांपल लेके बात करते हैं हम इसका। जैसे हम बात करते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, हो गया। पुस्तक जो है कितना टेबल पर रखी हुई है, किताब जो है कहां पर है? टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो टेबल पर ऐसे तो है नहीं एक हाथ ऊपर हो और आधा लटक रही हो किताब, ऐसा तो हो नहीं सकता। टेबल पर रखी रहेगी और दोनों की सतह आपस में एक दूसरे को टच करती रहेंगी, ठीक है। तो उस अर्थ में किसका यूज किया जाएगा? ऑन का यूज किया जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं, द मार्कर इज ऑन माई हैंड, जो मार्कर है वह मेरे हाथ पर है, मार्कर जो है मेरे हाथ पर है, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, इस अर्थ में किसका यूज किया जाएगा? ऑन का यूज किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं बेटा, अगला प्रपोजिशन है अपना ओवर। अगला प्रपोजिशन कौन सा है? ओवर। ओवर का अर्थ होता है ऊपर। ओवर का अर्थ क्या होता है? ऊपर। और इसका जो यूज किया जाएगा वह किया जाएगा सीधे या लंबवत ऊपर होने के अर्थ में, सीधे या लंबवत ऊपर होने के अर्थ में। ओवर का यूज कब किया जाएगा? सीधे या लंबवत ऊपर होने के अर्थ में ओवर का यूज किया जाता है। जैसे द स्काई इज ओवर आवर हेड्स, द स्काई इज ओवर आवर हेड्स, आसमान जो है, आकाश जो है हमारे मस्तिष्क के ऊपर, हमारे हेड के ऊपर, अपने सिर के ऊपर है, ठीक है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। द फैन इज ओवर आवर हेड्स, द फैन इज ओवर आवर हेड्स, जो पंखा है वह भी कहाँ है? ऊपर ही है। कहाँ पर है? ऊपर ही है, ठीक है। अगला यूज करते हैं किसी कार्य में लगे होने या समय गुजारने के अर्थ में। किसी कार्य में
लगे होने या समय गुजारने। के अर्थ में ठीक है, किसी कार्य को करते रहने की स्थिति में या फिर उस कार्य में समय गुजारने के अर्थ में किसका अर्थ यूज किया जाएगा, ओवर का यूज किया जाएगा। एग्जांपल बात करते हैं, वी सेटल्ड द क्वारल ओवर ए कप ऑफ टी। वी सेटल्ड द क्वारल क्वारल ओवर ए कप ऑफ टी। इसका अगला एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे विनोद स्पेंट हिज टाइम ओवर ए क्वेश्चन। विनोद स्पेंट हिज टाइम ओवर ए कप ऑफ ओवर ए क्वेश्चन, ओवर ए क्वेश्चन। बेटा अगला यूज करते हैं ओवर का हम, किसी तल को आंशिक या पूर्ण रूप से ढकने के अर्थ में। किसी तल को आंशिक या पूर्ण रूप से ढकने के अर्थ में, किसी तल को आंशिक या पूर्ण रूपेण ढकने के अर्थ में। किसी तल को या तो उसका कुछ हिस्सा या फिर पूरे तरीके से ढकने के अर्थ में किसका यूज किया जाएगा, ओवर का यूज किया जाएगा। जैसे ही पुट इज कोट ओवर द बॉय, ही पुट हिज कोट ओवर द बॉय, यानी उसने लड़के को अपने कोट से ढक दिया, पूरी तरह से लड़के को अपने कोट से ढक दिया। अगला एग्जांपल लेते हैं इसका, देयर वर क्लाउड्स ओवर द स्काई। यानी कि आसमान में बादल छाए हुए हैं, आसमान में बादल छाए हुए हैं। आगे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।